वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द लर्निंग आईक्यू पे। इस वीडियो में मार्च मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देश में लॉकडाउन जारी है, उसका पालन करते रहिए आप और हम। तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हर वीडियो के इसमें आपको क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप पॉज करके इसके आंसर लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। जिस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है, सिविल अकाउंटेंसी डे, तो कब मनाया जाता है? 1 मार्च या 2 मार्च या 3 मार्च या 4 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष, और 1 मार्च को विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे आपके ये क्वेश्चन। तो COVID-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर वीके पॉल। और अगला है, 2020 में एबल पुरस्कार की हिलेल फुरस्टब्रग को गेग्री मुर्गलिस को दिया गया, यह क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको बताना है, समाजशास्त्र में या साहित्य में या मैथ या जीव विज्ञान में। दोस्तों ये हर वर्ष दिया जाता है, इस बार 2 गणितज्ञों को दिया गया है और गणित में इस हर बार इस को दिया जाता है, इस पुरस्कार को। अगला है, भगवत गीता की वाक्याओं पर आधारित पुस्तक लेगसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर स्वाति छाबरा हो जाएगा, क्योंकि ये भगवत गीता के वाक्यानों मतलब उनका विश्लेषण इसमें किया गया है इस बुक के अंदर, सविता छाबरा। द नेटिव फ्यूरी अमेरिका को किस देश के बीच आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास है? द नेटिव फ्यूरी स्वीडन या दक्षिण कोरिया या जापान, यूएई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। और हम आगे देख लेते हैं, यूएई है। किस देश को भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु के पहले सह अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की गई है? दोस्तों किस देश को भारतीय के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल के पहले सह अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की गई है, किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब यूके। अगला है, टोक्यो 2020 जो भी होने वाला था, इसमें अब 2021 में टाल चुका है, किस देश को हटने वाला पहला देश बन गया है? तो इसमें राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला है, यूपीएस ने भारतीय की FY21 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका राइट आंसर आप 4 हो जाएगा। अगला है, इंडसइंड बैंक के नए MD या CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर सुमित कथवालिया है। किस फर्म के CDMC से मेक इन इंडिया COVID-19 परीक्षण के किट को व्यावसायिक स्वीकृति प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MyLabs, मेक इन इंडिया के COVID-19 परीक्षण के लिए किट जो कि MyLabs स्वीकृत की गई है। अगला है, रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत के पहले COVID-19 समर्पित अस्पताल की स्थापना किस शहर में की है?
तो इसका राइट आंसर मुंबई हो सकता है, राइट आंसर मुंबई है। अगला है अपने डेब्यू नेवल ए प्रियर फॉर ट्रेवल के 2020 में पेन हेम के पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपके थंबनेल पर भी था ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिका तोमर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुचिका तोमर। विश्व फिल्म पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTS टूरिज्म इफेक्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोया अख्तर ने। अगला है सरकार ने COVID-19 प्रकोप को मद्देनजर मलेरिया रोधी दवा का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यह दवा कौन सी है? तो यह दवा हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्सिन है, क्वीन है। राइट आंसर देख लेते हैं, हाइड्रोकोसी क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है एक मलेरिया को जो कि एक COVID-19 के अंदर इसका यूज किया जा रहा है, जिससे यह कारगर दवा साबित हो रही है। अब इसके निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने 19 मार्च 2020 को प्रभावी डॉक्टरों और घरेलू श्रमिकों सहित सभी प्रकार के श्रम परमिटों को निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि किस देश ने 19 मार्च 2020 को प्रभावी ड्राइवरों और घरेलू श्रमिकों को सहित सभी प्रकार के श्रम परमिटों को निलंबित कर दिया है? ओके, UAE हो जाएगा इसका राइट आंसर है। भारत में मास्क, दस्ताने और कीटनाशकों के रूप में सार्क देशों से कितनी सामग्री सहायता प्राप्त की है? लगभग 1 बिलियन, सही है। किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कर्मियों के सफाई कर्मचारी घोषित किया है? किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कर्मियों को सफाई कर्मचारी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि साउथ में है। किस सरकार ने एक पुलिस स्टेशन आगंतुकों किस सर्वेक्षण प्रणाली में ई नाइट बिट जांच प्रणाली शुरू की है? किस सरकार ने की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षणों को ई नाइट बिट जांच प्रणाली शुरू की है आगंतुकों के लिए। अगला है मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तलविन सिंह ने लिखी है। विश्व बैंक और ADB के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पाकिस्तान को कितने रुपए प्रदान किए गए? तो 588 मिलियन। लोरेंजो जॉन्स का हाल ही में निधन हो गया, वह किस फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष थे? ये बहुत ही फेमस कोच थे, क्लब से जुड़े हुए थे, उनके अध्यक्ष थे, और रियल मैड्रिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए रोनाल्डो ने कई बार खेला है, फेमस खिलाड़ी है। हाल ही में किस देश को कोरियाई प्रायद्वीप पूर्वी तट जापान के सागर में 2 बेसाल्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो आपको पता ही होगा उत्तरी कोरिया हमेशा इसमें मिसाइलों के परीक्षण में आगे रहता है। अगला है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में COVID-19 किससे संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? वेबसाइट का पता क्या है दोस्तों? वेबसाइट का किस नाम से शुरू की गई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा COVID-19-SDMCORG,
यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आपातकालीन कोष को कौन सा देश भारत में 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान देगा? कौन सा देश है? बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 1.5 मिलियन डॉलर का आपातकाल इसमें। किस कंपनी को NCLT के इंसॉल्वेशन प्रोसेसर के जरिए JP इंफ्राटेक अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप NBCC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने बैंकिंग कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया और के विनियमन के तहत सहकारी बैंकों में लाने का प्रयास किया, कौन सा है ये? इसका राइट आंसर जो है RBI। अगला है, हाल ही में MMT लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदासु पांडे, ओके थर्ड सी। अगला है, सरकार ने नए केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इंडिया के प्रबंधक निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर श्रीधर वेंकटेश्वर। अगला है, आहार और खाद्य और आतिथ्य मेले का 3500 संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगला है, जेके वेल्चर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के CEO थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JEE। अगला है, अप्रैल दिसंबर की अवधि में किस देश में भारतीय में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना रखा है? तो इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रकाश पुरस्कार 128वें राष्ट्रमंडल अंक के विजेता के रूप में नामित किसे किया गया? तो इसका जाहिद पेंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिमिटेड ने से लद्दाख में ट्रेकिंग गाइड पेश करने वाली पहली महिला बन गई है, ट्रेकिंग गाइड पेश करने वाली पहली महिला इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा थिनलास चेरोल, जो कि फोर्थ नंबर का है। निम्नलिखित में से देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत करने के लिए तैयार बिम्स्टेक समूह में नेतृत्व करने की योजना किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों ये थे 40+ क्वेश्चन मार्च मंथ की करंट अफेयर्स, जो कि हमने फास्टली देख लिया। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।